हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राई ग्राफिक्स। दोस्तों, आज मैं जनरल स्टोर का बैनर बनाने वाला हूँ। जो ये डिज़ाइन मैं X7 में किया हूँ, जो काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं घर बैठे। आपके पास कंप्यूटर है तो आप कई सारे डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उस पर भी ज्वाइन हो जाए। तो चलिए शुरू कर दें वीडियो को। यहाँ पे मैंने पे रेक्टेंगल ले लिया, उस पर यहाँ मुझे एक बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। उसके बाद ये वाला बैकग्राउंड मेरे पास है, अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ये आप आपको यहाँ पे सेटिंग करवा देंगे। स्विफ्ट पे आ जाए, ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इस कलर को यहाँ से कॉम्बिनेशन किया है, आप अपने खुद से एडिट फील से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन दिया है, देख सकते हैं ऐसा लाइन जो दिखने में तो अच्छा लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है, यहाँ पे मैंने इस पोस्टर का सभी डिटेल्स लिखा है, आप देख सकते हैं। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने इस पे लिख सकते हैं। हमारे यहाँ से ये बता के किराना का सामान जैसे चावल दाल आदि लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये फ़ॉन्ट का नाम है राज 15। आप ये फ़ॉन्ट भी मेरे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 2-4-5 PNG ऑलरेडी रखे हुए हैं, जो मुझे डिज़ाइन बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तो यहाँ पे मैं PNG को बैठा दूंगा, यहाँ पे मैं इसको बैठा दूंगा। तो फिर मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एक ब्लू कलर से बैठा दूंगा ताकि ये अच्छा लगे। यहाँ पे उसके बाद हमको यहाँ पे एड्रेस बैठा देना है। आप ये बची रही हमारे यहाँ से बड़ा किराना सामान, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसको बैठा दूंगा। आप अपने हिसाब से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। लग मेरा ये तैयार हो चुका है। अगर आप सीडर फाइल लेना चाहते हैं तो ब्लॉग में जाएं, और तो वहाँ पे उसका सीडर फाइल का लिंक दिया हुआ है, पेड चार्ज है, आप वहाँ से पेड पेमेंट करें, उसके बाद आपको सीडर फाइल मिल जाएगी। अभी मैं इसको फॉन्ट थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, ये फॉन्ट सही नहीं लग रहा है तो मैं अलग फॉन्ट लेता हूँ। ये फॉन्ट थोड़ा सही लग रहा है। हमारे यहाँ पे कई तरह के पोस्टर सीख सकते हैं आप, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी ये पोस्ट बनाया। उसके बाद मैंने अभी ऐसा भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं मेरे इस YouTube चैनल के द्वारा, तो ये काफी सिंपल डिजाइन में है। तो थैंक्स दोस्तों वीडियो को पूरी देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।